हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जितने दिन से ब्लॉग नहीं किया है ना, कैमरे में धूल पड़ गई है। तो गाइस, आज है बहुत ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज है कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 टेंथ में। तो सब ट्रैवल ब्लॉग डेली ब्लॉग बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इलेक्शन ब्लॉग बनाया जाए और इस आज के ऐतिहासिक दिन को कैमरे में कैद करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं। बहुत ही मेमोरेबल होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि इलेक्शन की गहमागहमी कैसी होती है। तो फिर चलिए, मैं खड़ा हूँ अपने बूथ के बाहर और चलते अपना कीमती मतदान वोट करते हैं। और हाँ, मैंने वही अपनी लकी टी शर्ट पहनी है। इस टी शर्ट में मैंने कम से कम, ये मेरा तीसरा इलेक्शन है, जब भी मैं टी शर्ट पहन के वोट करता हूँ तो वो पार्टी जीतती है। तो फिर ठीक, जैसे कि आप ये साइड में फ़ोटोज़ देख रहे हैं पिछले दो इलेक्शन के और ये तीसरा इलेक्शन इस। मेरा मतदान पूरा हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई है। ऑल राइट गाइस, मैं सोच रहा हूँ आपको ये इलेक्शन की गहमागहमी जो है मोटो ब्लॉग के थ्रू दिखाया जाए। तो फिर ऐसा कुछ है माहौल यहाँ का, और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं जी, आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये इलेक्शन की बस खड़ी हुई है, जो सब बैलेट्स इसी बस में आते हैं। देखो यहाँ भी मस्त रश लगा हुआ है, पब्लिक में जोश भरा हुआ है। इस बार जो लाइन लंबी लंबी दिख रही है, कहीं कहीं स्कूलों में लाइन लंबी लंबी लग रही है, और कहीं कहीं जो है यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छी लाइन लगी हुई है। यहाँ भी फुल पब्लिक जोश में है भाई, अपना बैलेट यही था। यहाँ पे भी अच्छी लाइन लंबी लगी हुई है यार। वाओ, इस बार जो है पब्लिक में फुल जोश भरा हुआ है। देखो पब्लिक, ये सब स्लिप बांटते और स्लिप में नाम लिख के जो है फिर स्कूल में जो है पब्लिक जाके वोट डालती है। अच्छा है, वोट जो है अपना हक है और अपने हक को पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो लोग जो है किसी नेता, हर नेता के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको कोई हक नहीं किसी के ऊपर उंगली उठाने का। अगर वो वोट भी नहीं डाल सकते तो फिर उनको कोई हक भी नहीं है किसी के बारे में कि हमारा नेता ऐसा हो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अगर तुम वोट नहीं डाल रहे तो तुमको कोई हक नहीं किसी के बारे में बोलने का। तुम्हारा सिर्फ राइट है वोट डालने का, और वोट तुम पूरा नहीं करोगे तो फिर किसी के बारे में कुछ कमेंट करने के भी लायक नहीं हो फिर। तो प्लीज़ कास्ट योर वोट एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। यहाँ भी एक बैलेट है जी, यहाँ पे भी जो है पब्लिक दिख तो रही है। यहाँ का ये माहौल सही है, जिस हिसाब से मोहल्ले में पब्लिक है उस हिसाब से तो लाइन जो है लंबी यहाँ तक स्कूल के बाहर तक जानी चाहिए। उतनी लंबी लाइन नहीं, लाखों की तादाद में मोहल्ले में लोग हैं, लेकिन तब भी जो है उतनी पब्लिक नहीं दिख रही है। बेंगलोर में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 टेंथ में, तो सीन कुछ इस तरह है इलेक्शन का। आप भी कमेंट सेक्शन करके बता, कमेंट में बताइए कि आपके शहरों में माहौल कैसा रहता है, कैमरा कमी रहती है कि नहीं। तुम्हें वोट डाले तुम्हें और कैसा जा रहा है इलेक्शन? बहुत जबरदस्त। हाँ, पब्लिक इस बार पब्लिक में जोश होगा। हाँ, पब्लिक में जोश इस बार ज़्यादा है नहीं? ज़्यादा है। और हर स्कूल के बाहर लाइन ज़्यादा लग रही है। अब ये भी बुटीक है। हाँ, ये देख के आया मैं, लाइन अच्छी लगी है इधर भी। हाँ, और ऑल राइट गाइस, मैंने तो वोट डाल दिया अपना, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी की। और भी 5:20 हो रहा अभी, और आधा घंटा बाकी है टाइम ख़त्म होने में, 6 बजे, 6 o'clock इज़ द लास्ट टाइम। देखते हैं अभी क्या गहमागहमी है। अभी भी वोटिंग बोर्ड के बाहर, वोटिंग बैलेट के बाहर रश है कि नहीं देखते हैं। अभी भी रश बरकरार लग रहा है। ये देखो बाज़ार के क्या हालत है, देखते हैं बाज़ार में सन्नाटा है, दुकानें खुली है या नहीं है। इलेक्शन का माहौल, कुछ दुकानें खुली लग रही हैं, कुछ दुकानें बंद लग रही है। वैसे ट्रैफिक तो नहीं दिख रही है। ये तो इस रोड पे तो ट्रैफिक फुल रहती है जी। इलेक्शन का चेक पोस्ट जो इलेक्शन से ठीक 15 दिन पहले हर जगह लग गई थी इलेक्शन चेक पोस्ट, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है भाई। आ,
यहाँ पे कोई बैलेट होगा इसीलिए यहाँ पे रिश इतना रश लग रहा है। पेट्रोल पंप भी आधा खुला है आधा वो, यहाँ पे एक बैलेट है। ओ आधा घंटा ओ 40 मिनट्स बाकी है और इतनी लंबी लाइन। फाइव 40 हो रहा है, 20 मिनट्स बाकी है, अभी भी लाइन इतनी लंबी है। 20 मिनट्स में क्या वो लोग वोट डाल देंगे क्या यार? सुबह से शाम तक, सुबह से पता नहीं क्या कर रही थी पब्लिक, या तो रश कम होने का इंतज़ार कर रहे थे या पता नहीं। बाद में वोट डालेंगे करके वो शाम हो जाती है, और शाम को आधा घंटा 20 मिनट बाकी है और इतनी लंबी लाइन लगी है अभी भी वहाँ पे। ऑल राइट गाइज, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, आई होप आप लोगों ने भी की होगी। और ये था हमारे मोहल्ले का इलेक्शन का माहौल। आई होप आपको ये इलेक्शन ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।